हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, बार मैग्नेट इज अ इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड के जैसे बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? सोलेनोइड के जैसे। और सोलेनोइड जो है वो कैसा बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट कैसा रहेगा? तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये क्या है? बार मैग्नेट। ये इसका साउथ है तो इसका नॉर्थ है। दिस इज बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट जो है वो किसके जैसा बिहेव करता है? इक्विवेलेंट किसके जैसे? इक्विवेलेंट है मतलब सोलेनोइड के तरह, मतलब सोलेनोइड को इक्विवेलेंट है। तो हम इसको कैसे इक्विवेलेंट बता सकते हैं? अगर दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी मिलती है तब हम बोल सकते हैं कि बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड इज एन इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। जैसे हमने सोलेनोइड के अंदर, इसके आगे की वीडियो में देखा कि सोलेनोइड के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो बार मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ये सिमिलैरिटीज तो है, पर हमको और सिमिलैरिटीज निकालनी है कि जैसे हमको बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वैसे ही सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। बरोबर है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? मैग्नेट। बरोबर है, 420 BC। बरोबर है, इतने साल पहले हमारे पास मैग्नेट आया था। सोलेनोइड तो अभी अभी हमने यूज करना सीखा। तो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड किसका निकाला था? मैग्नेट का। और अब हम किसका निकालते हैं? सोलेनोइड का। अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है, एक जैसा मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। ओके, अब देखिए यहां पे हमने इसको थोड़ा बहुत डिराइव करने का कोशिश किया है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये डेरिवेशन हमने पहले से करके रखा है, अब इसको हमको समझना है। बरोबर है, देखिए जैसे ये हमने एक सोलेनोइड लिया, ये हमने क्या लिया? एक सोलेनोइड लिया है। ये देखिए, आप देख रहे हो, ये हमने एक सोलेनोइड लिया है। दिस इज सोलेनोइड। ओके, और ये सोलेनोइड को हमने दो लेंथ में डिवाइड किया है, मतलब यहां से हमने इसको, ये जो लेंथ है इस तरफ का L और इस तरफ का भी L, ए प्लस एल है तो ए क्या है? माइनस एल। ओके, सिर्फ डायरेक्शन हमको नेगेटिव दिखाएगा, अदरवाइज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरफ का पॉजिटिव, इस तरफ का नेगेटिव। अब हमको इस सोलेनोइड के इस पॉइंट से, देखिए यहां से इस पॉइंट से मुझे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखिए सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, कितना करंट फ्लो करवाते हैं? आई करंट फ्लो इन सोलेनोइड। ओके, हमने सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो यहां से आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है आर, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? पॉइंट पी। वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे निकालूंगा? इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास कौन से फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? तो हमारे पास बियो सावर्ट्स लॉ है और एम्पीरियन सर्कुलर, मतलब एम्पीरियन सर्किटल लॉ है। तो यहाँ पे हम बियो सावर्ट्स लॉ को यूज करते हैं। किसके लॉ को यूज करते हैं? बियो सावर्ट्स लॉ। पर हमको पता है कि बियो सावर्ट्स लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा? डीबी जितना, क्योंकि वो तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं,
दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल एंड हाउ मच डीबी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोर सावर्ट्स लॉ क्या था? डीबी इज इक्वल टू न्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ? ओके, तो जब हम बोर सावर्ट्स लॉ यूज करते हैं तो हमको ए सिर्फ इतना मिलता है, ए वाला इतना। ओके, चलिए तो हम बोर सावर्ट्स लॉ को यूज करेंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखिए, हमको ए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बोर सावर्ट्स लॉ से, पर इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए, ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर एक कॉइल दिखती है आपको, ए एक कॉइल है, फिर ए एक कॉइल है, फिर देखिए एक दूसरा कॉइल है। अब इस कॉइल के अंदर ऐसे ऐसे अलग अलग टर्न होते हैं, बराबर है? तो हमने एक कॉइल यहाँ पे ली, हमने एक कॉइल लिया है ए, देखिए आप देख रहे हो, इसको मैंने डार्क किया है। इस कॉइल के हिसाब से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अभी ए वाले कॉइल से। इस कॉइल की विड्थ कितनी है? तो इस कॉइल की विड्थ है dx जितनी, dx इज अ विड्थ ऑफ कॉइल, दिस इज कॉइल, पूरा सोलेनोइड है बट दिस इज कॉइल। और ए हमने एक मेन पॉइंट लिया, मिडल पॉइंट लिया, जहां से इस तरफ l और इस तरफ l, तो यहां से ए जो विड्थ है वो कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे, दिस इज डिस्टेंस x। ओके, मैं जरा इसको ठीक करता हूं, देखिए दिस इज x डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस पे हमने रखा है? x डिस्टेंस पे। तो ये हमने x डिस्टेंस पे एक कॉइल लिया dx। अब हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा? db। फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसके लिए निकालेंगे वो कितना मिलेगा? db। फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसके लिए निकालेंगे वो कितना मिलेगा? db, क्योंकि हमको बोर सावर्ट से तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। फिर हम इस तरफ इसका निकालेंगे, फिर इस तरफ इसका निकालेंगे, फिर इस तरफ इसका निकालेंगे, और सब db को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो जाके हमको पूरे लेंथ के लिए, और ये टोटल लेंथ कितना होगा? l प्लस l कितना होगा? 2l। ये टोटल लेंथ कितना है? 2l। ओके, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, आपको समझ में आए? अब देखिए यहां पे ये टोटल टर्न्स कितने हैं, तो मैं बोलूंगा टोटल टर्न्स हम यहां पे लेते हैं n, n लेते हैं। एन वॉट इज एन? एन इज इक्वल टू एन क्रॉस 2l। आपको पता है हमने सोलेनोइड में लिया था स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे देख नोट करते हैं, स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर हमको कितने लेंथ के लिए चाहिए? 2l लेंथ के लिए। तो n इज इक्वल टू n क्रॉस 2l। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी। ओके, तो इसको भी हम यूज करेंगे आगे जाके, ये दोनों फॉर्मूला को, ए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और ए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसको हम बोर सावर्ट्स लॉ से यूज करेंगे। अब देखिए, हमने ऑलरेडी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, कैसे आपको याद होगा? देखिए यहां पे हम इसको नोट करते हैं, हमने ऐसे कॉइल लिया था, ऐसे कॉइल लिया था, आपको पता है यहां से ऐसे, ये कितना डिस्टेंस था? ये कितना डिस्टेंस था? x, याद कीजिए इसको, ए x डिस्टेंस था, और यहां से ए डिस्टेंस कितना था? r, और इसका रेडियस था a, और इसमें करंट फ्लो हो रहा था ऐसे या ऐसे, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इस डायरेक्शन में। ऐसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, ए भी आर था, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसल हो जाते थे और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। कितना मिलता था? डीबी कॉस थीटा। फिर हम
इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इस स्मॉल लेंथ के लिए निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो ए मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना मिल रहा था, ए मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना मिला था, याद कीजिए कितना मिला था। तो ए मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला था बी इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको नोट करता हूं, टू न्यू जीरो एन आई पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। ओके, तो हमने ऑलरेडी इसको निकाला हुआ है, अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखने हैं, इसमें वैल्यू रखने हैं किसके लिए, इस सोलेनोइड के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, तो देखिए एट पी यहाँ पे निकालना है, पी पे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, एट पी मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। सोलेनॉइड के लिए, पूरे सोलेनॉइड से नहीं निकालते हैं, सिर्फ किसके लिए निकालते हैं, दिस कॉइल। ओके, विड्थ ऑफ डी एक्स, कॉइल का विड्थ कितना है, डी एक्स, दिस इज दी विड्थ ऑफ कॉइल इज डी एक्स, इज डी बी इज इक्वल टू, डी बी इज इक्वल टू, अब हमने इस फॉर्मूला को यूज करना है, देखिए इसको यूज किया हमने फॉर्मूला को। ओके, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, देखो इसमें क्या है, टू न्यू जीरो एन आई पाई ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पे देखिए न्यू जीरो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां पे न्यू जीरो है, देखिए यहां पे भी न्यू जीरो है, फिर एन आई पाई ए स्क्वायर, एन आई पाई ए स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर जो है ये देखिए ए ए स्क्वायर है। ओके, पाई पाई हमने कैंसल कर दिया यहां से, ए पाई पाई हमने क्या कर दिया, कैंसल, तो ए स्क्वायर आई टू न्यू जीरो हो गया, और टू टू जा फोर, इसको भी हमने कैंसल कर दिया, तो यहां पे टू ए क्या हो गया, टू। ओके, और ए ए स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर है, दोनों फॉर्मूला आपको इक्वल दिख रहे हैं, आएगा समझ में। अब हमको देखिए यहां पर ए कितना डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ए क्या था, रेडियस, ए ए रेडियस था, बरोबर है, इस तरफ भी रेडियस था, तो यहां पे देखिए ए ए तो रेडियस ही है, पर हमको इतने डिस्टेंस के लिए निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है आर, उसमें से हमको इतना माइनस करना है, तो आर माइनस एक्स, क्योंकि हमको यहां पर निकालना है, तो यहां पर आर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब पूरा फॉर्मूला समझ में है आपको, तो हमने उसको डायरेक्टली यूज किया है, आपको भी डायरेक्टली लिखना है, आएगा समझ में आपको। चलिए अब यहां पे देखिए इसमें किसका इंटीग्रेशन होगा, तो न्यू जीरो एन और एन इंटू डी एक्स हमने क्यों लिखा, यहां पे क्या है, कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन की जगह पे हमने एन इंटू डी एक्स क्यों यहां पे नोट किया है, क्योंकि हमको कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर अभी यूनिट लेंथ कितना है, डीएक्स है, क्योंकि हम अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, डीएस के लिए। ओके, फिर जब जाके हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तब टोटल लेंथ रखेंगे, तो एन इंटू डीएक्स। अब देखिए न्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर टू, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, माइनस एल प्लस एल। ओके, डी एक्स अंदर रहेगा, आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू, चलिए ये हो गया। अब यहां पे देखिए न्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर टू, अब ये जो पूरा है इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, तो इस पूरे की जगह पे मैंने आर लिख दिया, कैसे, इसको पूरे की जगह पे मैंने आर कैसे लिखा, आर माइनस एक्स, देखिए ये क्या डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का r माइनस एक्स,
और ए क्या है, रेडियस, बरोबर है। तो यहाँ पे आपको अच्छे समझना है कि ए जो डिस्टेंस होगा उसके लिए हम पूरे के लिए क्या नोट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे समझना, हम इसको नोट करते हैं कि हम आर को कैसे रखेंगे। वन मिनट, देखिए यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, कितना है आर, बरोबर है, और ए डिस्टेंस कितना है एक्स। यहां से ये पूरा डिस्टेंस आर और यहां से ए डिस्टेंस कितना, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स, बरोबर है। तो ए कितना होगा बताइए मुझे, ए कितना होगा, मैं इसको ऐसे नोट करता हूं। देखिए हमारे पास स्पेस भी कम है, यहां पे नोट करते हैं, ए ऐसे ऐसे, ओके। ए कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए कितना है, आर स्क्वायर, ओके। अब इसको अच्छे समझिए, देखिए यहां से जो डिस्टेंस होता है, यहां से ये पूरा कितना है आर, और यहां से कितना है आर माइनस एक्स, बट दिस इज वेरी नियर, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू आर ही होगा, बरोबर है। तो इनके लिए यहां पे आर माइनस एक्स की जगह पे ये देखिए जो आर माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या था, रेडियस। तो ए रेडियस आपको कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, आर लिखता हूँ, आर स्क्वायर। पर ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, थ्री। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, आर क्यूब, ओके। और ये माइनस एल टू प्लस एल, और अंदर क्या है, dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x की जगह पे एक बार प्लस एल रखिए, माइनस माइनस एल, तो एल प्लस एल टू एल हो जाएगा। देखिए अब मैंने इसको, इस फॉर्मूला को टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ, देखिए मल्टीप्लाई विथ 2 पाई, मल्टीप्लाई विथ 2 पाई, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां पे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और यहां से भी 2 पाई, क्योंकि हम न्यू 0.4 पाई कॉन्स्टेंट लेना चाहते हैं। तो यहां से 2 पाई और यहां से 2 पाई। अब देखिए यहां से ए एन इंटू 2l क्या है, n इंटू 2l कैपिटल n है, तो मैंने कैपिटल n रख दिया, किसकी जगह पे, n इंटू 2l। अब ये पाई ए स्क्वायर क्या है, एरिया है, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि a रेडियस है, a रख दिया i, और नीचे 4πr³। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ओके। पूरे सॉलिनॉइड से निकाला, क्योंकि हमने लेंथ कितना लिया, माइनस एल से प्लस एल। तो ऐसे हमने ये क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ओके। अच्छे से याद करना कौन सा फॉर्मूला कब और कहां पे रखना है। अब यहां पे देखिए और इसको समझते हैं कि ये हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, इतना, ये आप देख रहे हो, इतना मिला। पर सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, बार मैग्नेट। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा हम यहां पे नोट करते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए मैंने ए लिया, एक बार मैग्नेट लिया,
ए क्या लिया, बार मैग्नेट। ए इसका नॉर्थ पोल है और ए इसका साउथ पोल है, बरोबर है। और इसकी लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ से ए आर डिस्टेंस पे ए जो पॉइंट है पॉइंट पी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे निकाला। तो ए मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला मुझे, तो न्यू जीरो अपॉन फोर पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और एक किसके लिए निकाला हमने, बार मैग्नेट के लिए। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो m क्या है, व्हाट इज m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये पूरा लेंथ कितना है 2L लेंथ है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू m क्रॉस 2L, m क्रॉस 2L। ए m क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी लेंथ के लिए, 2L लेंथ के लिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, अब हमने यहां पे देखी, इसको समझने के लिए हमने यहां पे लिया एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और यहां पे लिया एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इन दोनों को ऐसे जॉइन कर दिया। ओके, अब यहां पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने लिया, ए डिस्टेंस भी कितना है, ए लेंथ कितनी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, लेंथ पर यूज करेंगे। ए क्या है, 2L लेंथ। और इसको आप क्या बोलते हो, अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ए क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। ओके, इसका फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस 2L। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, व्हाट इज पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड व्हाट इज पी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इज इक्वल टू एम क्रॉस 2L। दोनों आपको इक्वल जैसे लग रहे हैं, बरोबर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में Q इज अ चार्ज एंड 2L लेंथ, ए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे 2L लेंथ, और m इज अ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर है। यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है, m स्ट्रेंथ है, ए कितना स्ट्रेंथ है, m, यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है, m, यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है, m। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 2L लेंथ क्रॉस m, बरोबर है। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या आया, सोलेनोइड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और अब हमारे पास क्या है, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में देखिए, सोलेनोइड में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे एक सोलेनोइड है, देखिए ऐसे सोलेनोइड है। ओके, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ओके, तो इससे हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, इससे हमको जो मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनोइड के लिए हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कितना मिला, फॉर सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू न्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यू। अभी हमने निकाला ना, देखिए सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने ये निकाला। ओके, अब यहां पे देखिए, सोलेनोइड से हमको ये समझ में आया कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू एन आई ए, एम इज इक्वल टू एन आई ए। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट इज आई, करंट, एंड व्हाट इज ए, एरिया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिपेंड्स ऑन दिस पैरामीटर्स। ओके, सोलेनोइड के लिए अब देखिए,
ये दोनों इक्वल है, ये आप देखिए, एक इसके लिए निकाला सोलेनोइड के लिए, बरोबर है, एक इसके लिए निकाला मैग्नेट के लिए। तो मैग्नेट के लिए तो हमने बहुत साल पहले निकाला था, जब मैग्नेट हमको मिला था तब तो हमारे पास लाइट के बारे में भी नॉलेज नहीं था, बरोबर है। पर आज हमने कंपेयर किया कि जो मैग्नेट का था उतना ही हम किसका निकाल सकते हैं, सोलेनोइड का निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोलेनोइड बिहेव्स लाइक एज एन बार मैग्नेट, इक्विवेलेंट एज एन बार मैग्नेट, बरोबर है। तो यहाँ पे हमने सोलेनोइड को इसके साथ कंपेयर किया एंड सोलेनोइड का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ए क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, और ए क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया ए बार मैग्नेट, ए इलेक्ट्रिक डायपोल और दिस इज सोलेनोइड, आएगा समझ में। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एन आई ए, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगे उतना ज़्यादा होगा, ओके, इसको आपको अच्छे से समझना है, बरोबर है। तो ये जो पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे डिराइव किया है उसको भी आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, आएगा समझ में, आपके माइंड में एक क्लियर होगा, बरोबर है, ओके। चलिए तो फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और बातें करेंगे, तब तक आपको इसको अच्छे से समझना है। थैंक यू।